तो लेनोवो ने एक फोन लॉन्च किया था एसिस रोग 3 के साथ। एसिस रोग 3 ऑलरेडी इंडिया में लॉन्च हो चुका है, आप उसको फ्लिपकार्ट के थ्रू खरीद भी सकते हो। बट लेनोवो ने जो फोन लॉन्च किया था वो खाली चाइना में किया था, इंडिया में उसको लॉन्च नहीं किया। लेकिन रिसेंटली लेनोवो ने अपनी इंडियन वेबसाइट पर उस फोन को लिस्ट किया था एंड उस फोन का नाम है लेनोवो लीजेंड डुअल। अब ये फोन गेमिंग सेंट्रिक है जैसे एसिस रोग 3 है, स्पेक्स भी बहुत मिलती जुलती हैं, बट अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है। एंड जहां पे पबजी आने वाला है, आपको पता ही होगा कि पबजी वापसी कर रहा है इंडिया में। एंड साथ ही साथ अगर लेनोवो इस फोन को लॉन्च कर देता है समवेयर अराउंड डेट टाइम, तो लेनोवो को काफी बूस्ट मिल सकता है इससे। लेनोवो अच्छे से प्रमोशंस कर पाएगा इस फोन के, गेमिंग सेंट्रिक फोन है। तो स्पेक्स की बात करते हैं तो यहाँ आपको मिलता है 6.65 इंचेस का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले विद 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। अब गेमिंग सेंट्रिक फोन है तो जितना अच्छा रिफ्रेश रेट होगा उतना मजा आएगा गेमर्स को गेम खेलने में। बात करें इसके कैमरा सेटअप की तो बैक साइड पे आपको मिलता है 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा एंड 16 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा। और सेल्फी शूटर की बात करें तो यहाँ आपको मिलता है 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, जिसको लेनोवो ने एक अलग तरीके से इंप्लीमेंट किया। तो कैमरा आपको मिलेगा फोन के साइड में एंड ये एक पॉपअप कैमरा है, और इसको लेनोवो ने इसलिए इंप्लीमेंट किया ताकि गेमर्स जो भी गेम स्ट्रीम करते हैं तो वो इसको एक फेस कैम की तरह यूज कर पाएंगे इजिली। एंड अगेन इसमें आपको डिफरेंट एआर स्टिकर्स, बैकग्राउंड चेंज करने का ऑप्शन बहुत कुछ मिलता है, और मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी इंप्लीमेंटेशन है लेनोवो की तरफ से, क्योंकि ये गेमिंग सेंट्रिक फ़ोन है और ऐसा ऑप्शन देना जहाँ पे आजकल लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रीम करते हैं गेम्स, तो आई थिंक इट्स अ गुड इंप्लीमेंटेशन। तो जैसे कि ये गेमिंग सेंट्रिक फ़ोन है तो RGB लाइट्स होना तो मस्ट है। तो पीछे की साइड पर आपको मिलता है लीजेंड का लोगो जहाँ पे आप डिफरेंट कलर्स चूज कर पाओगे विद इन दी ऐप, एंड रेड कलर मेरा फेवरेट है क्योंकि जैसे नीचे सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है, उसको आप प्रेस करोगे तो ग्रे हो जाएगा। तो ट्राई करो यार, प्रेस करो, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते यार, सब्सक्राइब करो, दुआएं लगेंगी मेरी। एनी हाउ बैटरी की बात करें तो यहाँ आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी, एंड इसको स्प्लिट किया गया है टू पार्ट्स में, 2500 mAh एंड 2500 mAh, एंड इसको आप चार्ज कर पाओगे दो केबल से। तो यहाँ आपको मिलेंगे दो टाइप सी पोर्ट्स, एंड इसको आप कनेक्ट कर पाओगे सेम ब्रिक से, सेम चार्जिंग ब्रिक पे आपको दो पोर्ट्स मिलेंगे, तो अलग से चार्जर लेने की ज़रूरत नहीं है, या कई कंपनीज तो चार्जर देती भी नहीं है, बट यहाँ पे आपको सेम चार्जर में दो पोर्ट्स मिलेंगे एंड दोनों टाइप सी केबल आप कनेक्ट कर पाओगे फोन से, तो ज़्यादा अच्छी चार्जिंग होगी, ज़्यादा फास्ट चार्जिंग होगी। एंड जो हाईएस्ट वेरिएंट है इसका 16GB एंड 512GB, उसमें आपको मिलेगा 90W का चार्जर, और बाकी जितने भी वेरिएंट होंगे वहाँ पे आपको मिलेगा 65W का चार्जर। एंड राइट हैंड साइड की एजेस पे आपको मिलेंगे दो प्रेशर सेंसर, जिसको आप अपने हिसाब से मैप कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन व्हाट गेम यू प्ले, आप उसको एमिंग के लिए या शूटिंग के लिए अपने हिसाब से मैप कर पाओगे, विच इज़ अगेन नीडेड इन अ गेमिंग सेंट्रिक फोन। एंड मेन चीज़ जो फोन की होती है वो है प्रोसेसर, एंड यहाँ आपको मिलता है ग्रेटेस्ट एंड दी लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 865 प्लस। 875 अभी नहीं आया है, स्टिल 865 प्लस इज द लेटेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट फ्रॉम स्नैपड्रैगन, तो वो प्रोसेसर आपको यहाँ पे मिलता है। अब बात करते हैं प्राइस की, क्योंकि प्राइस इज काइंड ऑफ अ बिग डील अगर आप इंडिया में फोन लॉन्च कर रहे हो। तो अगर आप चाइनीज करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हो तो इट शुड लॉन्च अराउंड 38,000 इंडियन रुपीज फॉर 8GB एंड 128GB वेरियंट, जो कि बहुत ही बढ़िया प्राइस होगा अगर लेनोवो इसको लॉन्च करता है इस प्राइस पॉइंट पे, क्योंकि रोग 3 का भी जो बेस वेरिएंट है वो आपको मिलता है अराउंड 45,000-46,000 इंडियन रुपीस। एंड अगर लेनोवो इसको इस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च कर देता है एंड अगेन पबजी कमिंग अलॉन्ग, तो बहुत बढ़िया डील हो सकती है गेमर्स के लिए स्पेशली। एंड मुझे लगता है लेनोवो को ये फ़ायदा उठा लेना चाहिए, क्योंकि पबजी जब से बैन हुआ है एंड अभी दोबारा कम बैक कर रहा है इंडिया में, तो काफ़ी अच्छा बूस्ट मिल सकता है लेनोवो को इसके थ्रू। एंड आई होप कि जल्दी ही लेनोवो इस फोन को अनाउंस करेगा कि कब प्लान कर रहा है लॉन्च करने का, कब इंडिया में आएगा फोन, क्योंकि अभी तक कोई भी ऑफिशियल डेट्स नहीं है लेनोवो की तरफ से। तो देखते हैं लेनोवो कब एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देता है इस फोन के बारे में। बस इतना ही था इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर देना, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।